खंडवा शहर के एकमात्र महालक्ष्मी मंदिर में दीपोत्सव को लेकर की गई साज सज्जा आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। दीपावली पर महालक्ष्मी का कौशाम्बा श्रृंगार किया जाएगा। माता के इस रूप में दर्शन रात 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक ही रहेंगे। महालक्ष्मी मंदिर में हर साल दीपावली पर करीब 70,000 श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं। कोरोना काल में आई दीपावली पर यहाँ दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं को नियमों का पालन करना पड़ेगा। 10-10 भक्तों को दर्शन के लिए छोड़ा जाएगा। साथ ही मंदिर में 5,000 मास्क की व्यवस्था भी की गई है। जो भक्त बिना मास्क के यहाँ आएंगे उन्हें मास्क उपलब्ध कराए जाएंगे। मंदिर संचालन समिति के अनुसार धनतेरस से मंदिर में विशेष पूजन और श्रृंगार में आयोजन किया जा रहा है। दीपावली की रात माता का कौशाम्बा श्रृंगार किया जाता है। साल भर में एक बार किए जाने वाले श्रृंगार में दर्शन रात 12 बजे से तड़के सुबह 5 बजे तक किए जा सकते हैं। इसके पूर्व धनतेरस पर यहाँ पर धन्वंतरी देवता से देश और दुनिया से कोरोना के खात्मे की प्रार्थना की गई। खंडवा से ब्यूरो के साथ सिराज खान की रिपोर्ट। जय माता दी। खंडवा नगर का भव्य मंदिर महालक्ष्मी मंदिर में 5 दिवसीय कार्यक्रम दीपावली पर्व मनाया जा रहा है, जिसमें कल धनतेरस के पावन पर्व पर कुबेर भगवान की पूजा की जाएगी और रूप चौदस के रूप में भी यहाँ पर पूजा की जाएगी। और धन्वंतरी भगवान की पूजा के साथ साथ में धन्वंतरी आयुर्वेद के भी देवता हैं, उनकी भी यहाँ पर कोविड-19 के अंतर्गत महामारी की समस्या को दूर करने के लिए माता जी से आराधना की जाएगी। और अमावस्या के रोज यहाँ पर महालक्ष्मी पर्व मनाया जाएगा, जिसमें कि खंडवा से लगभग 70,000 पब्लिक यहाँ पर दर्शन के लिए आती हैं। और इस 5 दिवसीय कार्यक्रम में अमावस्या के दिन विशेष पूजन कार्यक्रम रहेगा। रात्रि में माँ को 12 बजे से 5 बजे के बीच में कौशाम्बा पूजन होता है, माँ का कौशाम्बा श्रृंगार होता है और उसका पूजन अर्चन होता है। और यह श्रृंगार साल में एक बार होता है, जो रात्रि 12 बजे से सूर्य उदय के पहले तक माँ ग्रहण करती है और सूर्य उदय के पूर्व उस श्रृंगार को हटा दिया जाता है। यह विशेष पूजन होता है और रात्रि 12 बजे से 5 बजे के बीच में यह पूजन और श्रृंगार होता है, जिसके दर्शन के लिए सभी लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं। और जिन्हें नहीं पता है, खंडवा नगर की जनता से, आसपास की जनता से, दर्शनार्थियों से हमारा ट्रस्ट आग्रह करता है कि इस पूजन का लाभ लेने के लिए अवश्य उपस्थित होवें और कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करें। यहाँ पर ट्रस्ट के द्वारा कोविड-19 के अंतर्गत सारी व्यवस्था की गई है। डिस्टेंस के पालन के लिए रैलिंग की व्यवस्था की गई है, सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है, गेट पे हाथ धोने के लिए व्यवस्था की गई है और अंदर मंदिर में भी 10-10, 15-15 के ग्रुप में अंदर दर्शन के लिए छोड़ा जाएगा। और यहाँ पर 5,000 मास्क की व्यवस्था भी रखी गई है। अगर जो व्यक्ति मास्क पहन के नहीं आता है उन्हें मास्क की व्यवस्था भी कराई जाएगी। नियमों का पूरा पालन किया गया है और अनुभागीय अधिकारी के द्वारा जो अनुमति दी गई है उसका पूरा पालन करते हुए यहाँ पर ट्रस्ट के द्वारा व्यवस्था की गई है और हमारी समस्त कार्यकारिणी यहाँ पर 16 तारीख को इस व्यवस्था का पालन पूरा किया गया है। मंगलेश उपाध्याय कोषाध्यक्ष और राकेश जेवर सचिव, आप संजय शुक्ला जी हैं, आप हेमंत सोमानी जी और संतोष यादव जी हमारे सभी ट्रस्टी हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।